माय फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबके लिए एक वीकली रीडिंग लेकर आ रही हूँ फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपके जॉब एंड करियर के लिए नेक्स्ट वीक की रीडिंग करूँगी, 27 से 2 नवंबर तक की। एंड देन मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करूँगी फ्रेंड्स। एंड फाइनली मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी जो आपको अगले हफ्ते में ध्यान रखनी है। आई होप आप सब अपने फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब अच्छा चल रहा है, और इसी तरह से आप अपने फेस्टिवल्स को खुशी खुशी मनाएं। और रीडिंग अगर आपसे फ्रेंड्स मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ कमेंट्स में क्लेम किया करिए एनर्जी को। और दूसरी बात, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, सो माय एरीज फ्रेंड्स, आपके लिए सबसे पहले जॉब एंड करियर कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट वीक 27 से 2 तक का। तो फ्रेंड्स, कंप्लीशन का सबसे पहला कार्ड आया है, देन रीबर्थ, देन वी हैव राइपनेस, उसके बाद आया है अलोननेस। ओके, आई होप कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल हों आप सबको। ओके फ्रेंड्स, तो एरीज राशि, सबसे पहली बात जो मुझे नजर आई है आपके करियर में वो ये आया है कि कहीं ना कहीं आप जिस भी रीज़न से इस प्रोजेक्ट, बिजनेस या जॉब से जुड़े थे, आपने उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया है अब तक, और आपको आपकी वो चीज़ें कंप्लीट भी हुई हैं, एक लेवल भी आपने बहुत अच्छा अभी रिसेंटली क्रॉस करा है, और कहीं ना कहीं आपने चीज़ें कंप्लीट की हैं। बट अब शायद वही सेम चीज़ें चल चल के कहीं ना कहीं होता ना कि हमें अब कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन आपसे कह रहा है कि अगर हो सके तो अगले वीक, देखिए कहीं ना कहीं रीबर्थ के कार्ड से आया है कि कुछ नया ट्राई करिए, कुछ नया कोशिश करें, क्योंकि अलोननेस से आपको कहीं ना कहीं या तो ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा अब, क्योंकि सेम चीज़ें जब हम एक ही चीज़ करते चले जाते हैं तो फिर वो देखिए थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें उस हिसाब से बीच में ठीक नहीं थी, और आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा नए तरह से चीज़ों को करें। शायद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए हों, देखिए मैं कुछ कह तो नहीं सकती क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, और हो सकता है कि आपको कुछ रियल इस्टेट है या कुछ भी शेयर मार्केट, कुछ भी ऐसा जिसमें, क्योंकि ये सबके लिए जनरल रीडिंग है तो इट डिपेंड्स कि कौन लोग इसको देख रहे हैं और ये किसकी एनर्जी से मैच हो रही है, क्योंकि कलेक्टिव है। तो आप, हो सकता है कि कुछ करियर में आपने कुछ उतार चढ़ाव देखे हो, और डिवाइन आपसे कह रहा है कि आप थोड़ा सा करेज करके एक नया रीस्टार्ट करिए, एक नए तरह से चीज़ों को देखने की कोशिश करें एरीज राशि। तो अगर आप करेंगे, अगले हफ्ते चांस हैं कि आप कुछ नया स्टार्ट करें। देखिए लेजीनेस के कार्ड से वो आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप आलस कर रहे हैं या आलसी बने हैं तो वो वाली एक अप्रोच अपनी चेंज करें, ठीक है। तो अपनी तरफ से थोड़ा अपनी एटीट्यूड और अपनी अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव बनाइए, क्योंकि मुझे पता है कि फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा हम सब हॉलीडे मूड में चले जाते हैं। बट नेक्स्ट वीक थोड़ी सी शुरुआत करिए कि धीरे धीरे करके एफर्ट करिए आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग करूँगी। नेक्स्ट वीक आप किस एनर्जी में रहेंगे लव एंड रिलेशनशिप में, देखते हैं फ्रेंड्स। तो एरीज राशि के लिए डिवाइन मुझे कार्ड दें, लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग कैसी होगी उनकी। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा कार्ड आया फ्रेंड्स। उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन एस ऑफ पेंटिकल्स, सब पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो जहां तक मुझे नजर आ रहा है फ्रेंड्स कि चीजें तो सब
ठीक ही हैं, आपके अगले हफ्ते रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। आई थिंक जैसे कहते हैं ना हम, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, आपके पास एक्चुअली में है। आपके पास लाइफ की वो हर चीज़ है, लेगेसी है, और मतलब सब कुछ है, पैसा ये वो फलाना, लेकिन कुछ इश्यूज हैं, कुछ मनमुटाव है। अब वो किसके साथ है वो थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। थोड़ा सा देखिए, 10 of cups आया, हो सकता है कि अपने सोलमेट के साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास अबंडेंस तो है, आपको कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। आप एरीज राशि अगले हफ्ते कोई प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो छोटे मोटे कहते हैं ना वाद विवाद आ रहे हैं, इनसे आप थोड़ा सा बचना। एक तो ये देखिए, इनसे बचिए, इनको ख़त्म करिए। इन आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपने डिस्प्यूट मोड में नहीं आना है। अगर आपके साथ कोई अगले हफ्ते उलझने की कोशिश करता है पर्सनल लाइफ में, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे वो किसी भी रीजन मतलब पड़ोस में हो, कहीं भी हो, या सोलमेट ही हो, अपना पार्टनर ही हो, ठीक है, तो आपने एरीज राशि अगले हफ्ते थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। अगर आप वो कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट वीक बहुत ही ब्यूटीफुल बीतने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए कितना अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, एक भी गलत कार्ड नहीं है सिवाय इस एक 5 of wands के, बाकी सब कुछ अच्छा आया है। तो ये 4 of wands भी है कि सेलिब्रेशन आएगा, आप कहीं मिलकर शायद किसी मैरिज पार्टी में जाएंगे, कुछ इस तरह से मिलकर कुछ इवेंट ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। तो मोस्टली पूरी एनर्जी आपकी नेक्स्ट वीक की बहुत ही पॉजिटिव आई है एरीज राशि। कोई ऐसी तकलीफ या कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आई, बट थोड़ा सा अगर हो सके तो थोड़ा सा किसी से बहस या इस तरीके की चीज़ों से, आर्ग्यूमेंट से बचना है आपको। नेक्स्ट मैं देखती हूँ डिवाइन आपसे क्या कहना चाहता है, डिवाइन क्या आपके लिए कार्ड निकाल रहा है। कार्ड लूँगी मैं ये ज़रूर, क्योंकि खुद आया है बाहर। सबसे पहला कार्ड तो निकल ही गया है और वो उसमें आ रहा है डोंट स्टॉप, एंड देखिए अगला आया रिमेन पॉजिटिव। तो रुकिए मत, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए। बिजनेस जॉब में भी आपका आया था कि रीस्टार्ट करिए, कुछ एक नए तरह से चीज़ों को करिए। पर्सनल लाइफ में आया कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, झगड़िए मत किसी से, अदरवाइज आपके लाइफ में अबंडेंस है, सब कुछ अच्छा आएगा। और डिवाइन भी आपसे क्या कह रहा है कि आगे बढ़िए, आगे बढ़ के नई चीज़ें ट्राई करें, नई चीज़ों को देखें और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरीज़ ये थी आपकी वीकली रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।